नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की अहम खबरों के साथ। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सियासी शतरंज पर एक बड़ी चाल चल दी। उन्होंने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में नए जिले के गठन का ऐलान कर दिया। सीएम ने छिंदवाड़ा के पांडुना को जिला बनाने का ऐलान किया है और नए जिले का गठन पांडुना, सौसर और नादनवाड़ी को मिलाकर किया जाएगा। मौजूदा वक्त में ये तीनों छिंदवाड़ा जिले की तहसीलें हैं। इससे पहले सीएम नागदा और पिछोर को भी जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। इधर छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जामसावली मंदिर में श्री हनुमान लोक की आधारशिला रखी। हनुमान लोक का निर्माण 314 करोड़ रुपए की लागत से जहां 26 एकड़ में किया जाएगा। और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मेरे जीवन का अद्भुत क्षण है। श्री राम और सीता जी के चरणों में प्रणाम कर मैंने श्री हनुमान लोक का भूमि पूजन किया। ये अद्भुत सिद्ध स्थल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अनोखे अंदाज और भक्ति भावना के लिए हमेशा जाने पहचाने जाते हैं। छिंदवाड़ा में एक बार फिर सीएम आस्था के सागर में डुबकी लगाते नजर आए। दरअसल हुआ ये कि मुख्यमंत्री हनुमान लोक भूमि पूजन के मौके पर जामसावली मंदिर पहुंचे थे, जहां वो हनुमान चालीसा की संगीतमय प्रस्तुति करने वाले दल में शामिल हो गए और उन्होंने मंजीरे के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। रीवा का विकास हो रहा है और जल्दी इंदौर को पटखनी दे देगा, ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। रीवा पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि मुझे गर्व होगा जब रीवा इंदौर से आगे निकल जाएगा। विजयवर्गीय ने हंसते हुए ये भी कह दिया कि मुझे तो राजेंद्र शुक्ला से थोड़ी जलन होती है क्योंकि वो रीवा का विकास तेजी से कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि पहले रीवा आने पर ये लगता था कि छोटे से कस्बे में आ गए हैं, लेकिन आज रीवा बहुत आगे निकल गया है। मुझे राजेंद्र शुक्ला जी से थोड़ी सी जलन होती है। जलन इसलिए होती है कि इंदौर का सबसे, मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर है इंदौर, और इंदौर को हम बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पर लगता बहुत जल्दी जिस तेजी से ये विकास रीवा का कर रहे हैं, इंदौर को पटकनी मार देंगे। पर मुझे गर्व होगा जिस दिन इंदौर से आगे रीवा निकलेगा। राजन जी, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का दिन होगा, इसलिए आप काम करते रहिए। और रीवा देखिए, मैं रीवा में विद्यार्थी परिषद के जमाने से आ रहा हूं। रीवा में आने के बाद ऐसा लगता था कि एक छोटे से कस्बे में आ गया, और लोग भी बड़े निराशावादी बात करते थे, बुझे हुए चेहरे थे। आज मैं रीवा आता हूं तो एक हंसता हुआ शहर दिखाई देता है, खेलते हुए नागरिक दिखाई देते हैं, और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो राजन जी और उनकी पूरी टीम को जाता है। इधर बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाई ग्राम चौपाल, यानी मोर डोंगरी गांव में ग्राम चौपाल लगाई गई। ग्रामीण मंथोबाई के पीएम आवास का फीता काटकर शुभारंभ किया। गांव में ग्राम चौपाल को संबोधित भी किया। सीएम ने मंथोबाई के घर पर ही बैठकर भोजन किया और भोजन के बाद सीएम ऑफिसर्स क्लब पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक जारी रही और इस बैठक के बाद सीएम रात्रि विश्राम सारणी अपर रेस्ट हाउस में करते नजर आए। सीएम के साथ आमला विधायक सांसद भी मौजूद रहे। We'll be right back.
इधर भोपाल में गुरुवार को कांग्रेस सेवा दल का सम्मेलन हुआ, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी पहुंचे। सम्मेलन में कमलनाथ ने यह कहा कि हमारे सामने चुनाव की चुनौतियां हैं, आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव होना है, ऐसे में सभी पार्टी जनों को जुट जाना चाहिए। कमलनाथ ने भी कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले सब चीजों का उपयोग करेगी। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने विकास के लिए साल 2003 से 2023 तक उठाए गए कदम और कार्यों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 दशक में भाजपा ने मध्य प्रदेश के ऊपर लगे बीमारू राज्य का टैग हटा दिया। लालवानी ने कांग्रेस पर तंज कसा और ये कहा कि दम है तो कांग्रेस 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंचे। वो बताते हैं हमने जो काम किया है वो आपके बीच में, हमने आपके माध्यम से दिया, जनता के बीच में हमने रिपोर्ट कार्ड दिया। कांग्रेस ने कभी भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जनता के बीच में जाती है कि हमने विकास किया, हम विकास करेंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। दतिया दौरे पर पहुंचे उन्होंने पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर देवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। बातचीत के दौरान मौर्य ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर खुशी जताई है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मसले पर मौर्य ने कहा कि मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। माँ की लीला है, देखते रहिए। रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। बाकी प्रकरण अभी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। ग्वालियर चंबल संभाग की डबरा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे का एक अश्लीलता से भरा हुआ आपत्तिजनक वीडियो गुरुवार को वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई। बीजेपी ने वायरल वीडियो को लेकर कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। वहीं विधायक सुरेश राजे ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये दावा किया है कि ये एडिटेड है और मुझे ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपयों की डिमांड की जा रही थी। इसके सबूत भी मेरे पास हैं जो मैं पुलिस को सौंपूंगा। मैं इस वीडियो के बारे में आपको बताऊं सबसे पहले कि पिछले 3-4-5 महीने से मेरे को बातों के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। तमाम मेरे विरोधी नेता भी कहीं जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में और अपने फंक्शनों में इस वीडियो की चर्चा करते थे कि हम जैसे ही चुनाव होगा और जब सुरेश राजे का टिकट फाइनल हो जाएगा और फाइनल भी फार्म खींचने की डेट निकल जाएगी तो हम एक धमाका करेंगे, एक वीडियो वायरल करेंगे। क्योंकि मैं निश्चिंत था, मेरे कोई डर भय नहीं और आज भी आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं डर हूँ। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई विधायक और सांसद लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी आशाओं अपेक्षाओं का केंद्र होता है, उसका अनुसरण लोग करते हैं। इसलिए सामाजिक दृष्टि से जो वीडियो सामने आया है वो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही विद्रूप, बहुत ही समाज को कलंकित, सामाजिक मान्यताओं को कलंकित कर देने वाला, बहुत शर्मसार करने वाला है। अब इसमें कांग्रेस को, अभी तक कांग्रेस की जो चुप्पी है, खासतौर पर कमलनाथ जी की जो चुप्पी है वो आश्चर्यजनक है। उनको त्वरित गति से इस पर आगे आकर स्पष्ट करना चाहिए। इधर झाबुआ विधानसभा में भाजपा की घोषित प्रत्याशी भानु भूरिया के विरोध की लड़ाई अब सड़कों पर पहुंच गई। भाजपाइयों ने गुरुवार को कल्याणपुरा से झाबुआ तक रैली निकालकर अपना विरोध प्रकट किया और काले झंडे लहराए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगे। विरोध करने वालों ने चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर पार्टी उम्मीदवार नहीं बदलती है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो जाए। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा, ये सब अपने ही लोग हैं, बात करके मामले को सुलझा लिया जाएगा। चल रहा है भानु भूरिया का, आप खुद देख रहे हो कि भानु भूरिया का विरोध चल रहा है। कल्याणपुरा से झाबुआ तक रैली निकाली गई, उस विरोध में ये युवा को हमने किसी ने इनको बुलाया नहीं, ये अपने आप युवा मिलकर आए हैं कि इन्होंने बोला कि अपने को उम्मीदवार अपना सही नहीं है, उम्मीदवार सही नहीं है इन्होंने बोला। और ये बोले जिला अध्यक्ष है तो जिला अध्यक्ष है उसके रहते हुए इनका काम क्या था कि आगे नाम पहुंचाना। नाम निर्देश में कम से कम 4 से 5 नाम जाते और भानु भूरिया जी को सीट मिलती तो सारे नेता ना खुश रहते। एक पद मिला तो एक पद में इसको रहने सही है और दूसरा पद भी इसको, इस पत्नी को जो
उम्मीदवार बनाया तो जनपद अध्यक्ष रहा, तो जनपद अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष रहा, और जिला अध्यक्ष से सीधा वहाँ पहुँच गया। तो हम एक मान लो हम सरपंच बनाया तो मेहमोर से पार्षद से हम खड़े रखते हैं, करता है, पदाधिकारी रहे हैं, पार्टी ने उनको मौका दिया था, वो विधायक भी रहे हैं, वो इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकते हैं, जरूर कोई लोग ऐसा बता रहे होंगे। गंज बासोदा के गजनई गांव में बदमाशों ने शिव मंदिर में चबूतरे पर मौजूद देवी और शिव की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। मंदिर के पुजारी ने इस मामले की जानकारी चौकीदार और ग्रामीणों को दी, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिली। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ये सुबह जब वो मंदिर में दर्शन करने गए जिन चढ़ा पहले आप बता रहे पहले भी ऐसा हुआ। अब तो हमने वहाँ पर ताला डाल दिया है, सुबह जब हम वहाँ पर गए तो पंडित जी पूजा करने जाते हैं, तो पूजा करने जैसे ही अंदर गए तो फिर वो वापस आए, उनने फिर पूजा नहीं की, फिर हमें बुलाया उनने, हमने बताया, फिर थाने में सूचना दी, तहसील में दी, पटवारी साहब को दी, उसके बाद में सब हम ही ग्रामवासी इधर आकर मतलब आवेदन दिया गया। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों श्रीराम और राम कथा से लेकर हनुमान जी तक पहुंच गई। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर भी बनवाया, तो अब बीजेपी भी छिंदवाड़ा में हनुमान जी के इर्द गिर्द सियासत करने पर मजबूर हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ जामसावली में हनुमान लोक बनाने की आधारशिला रख दी, बल्कि पांडुन्ना सौसर को नया जिला बनाने की भी घोषणा की है। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा को घेरने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हनुमान भक्त कमलनाथ को घेरने के लिए सीएम शिवराज सिंह ने हनुमान जी का ही सहारा लिया। उन्होंने जाम सावली में 135 करोड़ रुपयों के भव्य हनुमान लोक बनाने का भूमि पूजन किया। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा की सौसर तहसील को जिला बनाने का भी ऐलान किया। इन तीनों तहसीलों को मिला के नया जिला बना दिया तो आज उसका प्रकटीकरण भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बरसे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान सभी प्रकार की जुगत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के गढ़ को अब बीजेपी नहीं घेर पाएगी, बल्कि जनता सीएम शिवराज को रवाना करने की तैयारी कर चुकी है। सरकार को जो भी लोक बनाना हो बना ले, जनता उसे पाताल लोक में पहुंचाने का निर्णय ले चुकी है। शिवराज सिंह जी और कमलनाथ जी में मूलभूत अंतर यही है, और शिवराज सिंह जी को भगवान चुनाव के वक्त याद आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा पहला ऐसा जिला है जिसकी सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए हनुमान जयंती के कार्यक्रम से लेकर राम कथा तक का आयोजन करवा चुकी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस गढ़ को घेरने के नए नए जतन करने के लिए मजबूर हो चुकी है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। और अब बात सुरखी विधानसभा क्षेत्र की, जहां राहतगढ़ के भाजपा नेता नीरज शर्मा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नीरज शर्मा ने गुरुवार को भोपाल जाकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल में नीरज शर्मा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, और इस दौरान नीरज शर्मा ने मंत्री और सुरखी विधायक गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल ने नीरज शर्मा से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में दल बदल का लगातार सिलसिला जारी है। कांग्रेस में लोग लगातार आ रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कांग्रेस ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ हैं नीरज शर्मा जी, सुरखी विधानसभा जो कि मंत्री गोविंद सिंह की विधानसभा है, उनकी विधानसभा से आए बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, क्या कारण रहा नीरज जी? मैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जनपद का अध्यक्ष रहा, नगरपालिका का अध्यक्ष रहा, लेकिन जब से गोविंद राजपूत आए तो इनने बदले की भावना परिवार की राजनीति करना शुरू कर दी, और सुर्खी में हर समाज के लिए हर वर्ग के लिए मुकदमा, जमीनों पर कब्जा करना,
मकान गिरवाना और कई प्रकार के आरोप लगाकर लोगों को परेशान करना और परिवारवाद, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके पास, जनपद उनके पास, अब हम लोग कहाँ जाएं? सरपंच का चुनाव रह गया प्रधान का, तो कोशिश करके वो भी निकाल ले जाएंगे। आप तो बीजेपी के थे कार्यकर्ता, वो तो अभी गए कांग्रेस। तो भाई साहब उनने ही पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया, उनने तानाशाह रवैया रखा और सुर्खी में, सुर्खी की देन है जो आज वहाँ पहुँचे, भोपाल पहुँचे, आज जो परिवहन राजस्व मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने सुर्खी की जनता को भी नहीं छोड़ा। हर आदमी के साथ अन्याय कर रहा है, उसका अन्याय का आज परिणाम आपको देखने मिल रहा है बाहर। ये हम कोई पैसे से लेके नहीं आए, ये आत्मा से लोग जुड़े हुए हैं और आत्मा ही से लोग आए हैं, और आप तो चार महीने में देखना उनकी क्या व्यवस्था होने वाली है। आपकी गाड़ियां भी रोकी गई, आपके भी ऊपर केस बनाया। हाँ, कल मुकदमा दर्ज किया। तो हम तो देखो सिपाही हैं कांग्रेस के, हम दबने रुदने वाले लोग नहीं हैं, ये तो समय बताएगा। ऐसे मुकदमे डरने वाले नहीं है, कितने मुकदमे ला दोगे? हम सच्चे सिपाही हैं, हमारा काम करना है, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम ईमानदार लोग हैं, हम कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस से टिकट की आशा है क्या? नहीं, हमारी कोई आशा नहीं है, कमलनाथ जी का आशीर्वाद, उनका आदेश जो होगा उसका पालन नीरज शर्मा करेगा। तो बीजेपी के बड़े नेताओं से बात नहीं हुई थी आपकी, इस तरह का काम हो रहा था वो विधानसभा? वो लोग खुद परेशान है, खुद चाह रहे कि ये निपट जाए, भारतीय जनता पार्टी खुद चाह रही है इनको आराम दिए और आराम देंगे, विश्वास है हमें, ये भी विश्वास। उनने किसी को नहीं छोड़ा, उनने किसी को नहीं छोड़ा, ना भाजपा को छोड़ा ना कांग्रेस का। आपने देखा है कि जिसके कारण आज कांग्रेस बाहर हुई, इन जैसे लोगों के, दलालों के कारण बाहर हुई। कांग्रेस के जो नीति है उसको अपनाते हुए आज नीरज शर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन की। कुल मिलाकर बात की जाए तो सुर्खी विधानसभा में जिस तरह से गोविंद सिंह को खिलाफ वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनको टिकट की भी आशा नहीं है कांग्रेस से, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, अब कांग्रेस के सिपाही के रूप में वो काम करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला। और चलिए भोपाल की ही खबर बाद में जानते हैं आपको। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां, बीजेपी का प्रदेश व्यापी नव मतदाता सदस्यता अभियान, 500 से अधिक नए मतदाताओं को सदस्यता दिलाई जाएगी, चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक सदस्यता दिलाएंगे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे, सभी विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे, आपको बता दें सभी विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलेगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से रायपुर आ रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी और फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, देर रात दूसरे विमान से रायपुर यात्री लाए गए हैं, 100 से ज्यादा यात्री फ्लाइट में सवार थे। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, तकनीकी कारणों की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग इमरजेंसी तरीके से। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए INS 24/7।